बीच में थोड़ा बहुत मौका देखकर जो हम पेशेंट को कन्वे करना चाहते हैं किसी भी तरीका से, है ना। या देखो तभी ये लिखा है कनिंग एंड बैफलिंग डिजीज, कि यहाँ बैठ के फैमिली सीखती है। जैसे आपने बोला कि ये सारा मैंने प्लान किया है ना, तो दिस इज व्हाट वी लर्न हियर, कि पेशेंट को कैसे बात बतानी है, पेशेंट को कैसे एक मैसेज देना है, अगर डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते तो कैसे चालाकी से हम कन्वे कर सकते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज 2 दिन से जो जो मेरे साथ फैमिली सेशंस में इश्यू आ रहे हैं उसमें से एक मेडिसिन को लेकर बहुत ज़्यादा है। और कुछ फैमिलीज़ हैं जिसमें पेशेंट की इतने सालों से तभी बेटरमेंट नहीं हो रही है क्योंकि फैमिली इंटरफेयर करती है कि आप ये दवाई दोगे ये दवाई नहीं दोगे। तो उसमें मतलब हम जब ये 2-3 केसेस डिस्कस कर रहे थे तो हमें एज काउंसलर्स बहुत दुख हो रहा था, एक्सपर्ट्स को सबको बहुत दुख हो रहा था कि हमारा पेशेंट इस वजह से रिकवरी में ही नहीं जा जा पा रहा, और थोड़ा बहुत टाइम नहीं है, 6-7 साल से ऊपर हो गया, और अब वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है जहाँ पे उसको वो पुरानी वाली डोज वर्क ही नहीं कर रही, वो अब कुछ दवाइयाँ वर्क ही नहीं कर रही। तो मेडिसिन को लेकर हम सब फैमिली को रहता है कब तक दवाई चलेगी, कब तक खानी पड़ेगी। तो सर एक वही बात है कि आप हार्ट का एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप डरते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, मगर हमारे पेशेंट में एक्सेप्टेंस अभी नहीं आई है। हमारे पेशेंट को में डिनायल जो है अभी वो पूरी तरह से टूटा नहीं है, तो इस वजह से हमारे पेशेंट दवाई छोड़ देते हैं। मतलब दिस इज अ साइन ऑफ रिलैप्स ओनली, आइदर यू आर इन रिकवरी और यू आर इन रिलैप्स, तो ये उसका ही होता है। तो मैं तो अपने पर्सनल अपीयरेंसेस, अपनी एक्सपीरियंस से सब फैमिलीज और पेशेंट्स को यही शेयर करूंगी कि जैसे किसी भी शारीरिक बीमारी की दवाई ज़रूरी है, वैसे ही दिमागी बीमारियों की दवाई भी ज़रूरी है। अब हम अपनी बातों से या कस्मे वादों से या समझा के तो अपने बॉडी को ठीक नहीं कर सकते। तो और जैसे सर कल या परसों कह रहे थे कि वाकई में हमें शुक्रगुजार होना चाहिए साइंस का, भगवान का, कि हमारे पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट आए। तो अगर क्योंकि हम देखते हैं ना हॉस्पिटल में बैठे कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, मगर अब वो ना इलाज की स्टेज पे है। तो इन अ वे सर ठीक कह रहे होते हैं कि अगर आपका पेशेंट दवाई खा पा रहा है, दैट मीन्स कि उसके बचने के, ठीक होने के चांसेस हैं। अगर वो नहीं खा पा रहा, इसका मतलब कि वो ठीक ही नहीं हो सकता। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करें तो ये किंतु परंतु, दवाइयाँ क्यों ज़रूरी हैं, ये बहुत हमें परेशान करती हैं चीज़ें। और इसकी वजह से ना डॉक्टर्स भी खुलकर इलाज नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि फिर डॉक्टर को भी लगता है कि कितना इंटरफेरेंस है। वैसे ही पेशेंट को मनाना, समझाना, काउंसिल करना, और ये ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ट्रीटमेंट किसी के लिए भी, ना पेशेंट के लिए, ना फैमिली के लिए, ना डॉक्टर्स के लिए। तो उसमें जब हम फैमिलीज इंटरफेयर करते हैं, फेथ नहीं रखते, सरेंडर नहीं करते प्रोग्राम को, और डॉक्टर की बात नहीं मानते, ट्रीटमेंट प्रोग्राम की बात नहीं मानते, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं चलते, तो हमारे पेशेंट का ही नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा हमारा पेशेंट सफ़र करता है। एक ये बात है। दूसरी 2-3 दिनों से जो फैमिली सेशंस जब मैं करती हूँ तो कुछ रिलैप्स के केसेस हैं, तो फैमिली ना बहुत जल्दी पेशेंस छोड़ देती हैं, थक जाती हैं। मतलब मैं ब्लेम भी नहीं करूँगी फैमिलीज को, क्योंकि ये बीमारी वैसे ही थका देती है, इट इज़ वेरी पेनफुल, वेरी ट्रॉमेटिक, हम थक जाते हैं, है ना। आप इधर आकर बैठो, इधर आओ इधर। अच्छा ठीक है ठीक है। तो वो
वैसे भी हमारे पेशेंट को यू नो का जो की जो बीमारी है वो है ही ऐसी, पर वही बात आ जाती है कि हम फैमिलीज के पास ऑप्शन क्या है। अगर हम इलाज नहीं कराएंगे तो ऑप्शन क्या है? अच्छा, हम किसी तरह से मन बना के इलाज में आ भी जाएंगे, और अगर इलाज पूरा नहीं कराएंगे फिर नुकसान है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट मिलते हैं, फैमिली भी थक जाती है। बट द थिंग इज कि अल्टीमेटली तभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, और तभी पहले कुछ दिनों में ही फैमिली को कन्वे कर दिया जाता है कि अगर यहाँ पे आपको रिकवरी चाहिए तो एक टाइम और पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। क्योंकि इस बीमारी में ये जो दिमागी बीमारियां हैं, जैसे आपको हेल्थ एंजाइटी है, किसी को नशे की बीमारी है, किसी को कोई भी सोच की बीमारी है, तो जो ट्रीटमेंट हो रहा है ना वो दिमाग का ही हो रहा है। पेशेंट किसी भी बीमारी से पीड़ित है यहाँ पे, चाहे वो डिप्रेशन का पेशेंट है, चाहे वो एंजाइटी का पेशेंट है, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया है, चाहे उसको एडिक्शन है, बाइपोलर है, उसमें दिमाग ही खराब हुआ है। तो जब दिमाग खराब होता है ना, उसके जो लक्षण होते हैं वो सेम ही होते हैं, और जिसमें मोटी मोटी बात यह है कि हमारा दिमाग सोचों का बहाव है ना, हमारे दिमाग में सोचें आती हैं पूरा दिन। अंकल जी आप भी आगे आ जाओ, आपको बोल रही हूँ, आपको आइए आप आगे, जसकीरत पापा आप इनको ले, तभी मैं बोल रही हूँ आगे बैठिए, सुने ये भी। आप तो हमारी देश की पूरी सेवा करके रिटायर हुए हो। हाँ जी, मुझे पता है आपका बेटा है वो, और आप फौज से रिटायर हुए हैं, मुझे पता है। अच्छा ठीक है, तो मैं वही कह रही थी कि मैं भूल गई कि मैं क्या बात कर रही थी, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। हाँ, मैं कह रही थी अगर हम सब दिमाग को समझने की कोशिश करें, तो सिंपल शब्दों में दिमाग की क्या डेफिनेशन है कि उसमें सोचें चलती हैं, सोचें, ठीक है। दिन में हमें पता नहीं कितने हजारों सोचें आती है, तो हर तरह की सोच आती है, पास्ट की, फ्यूचर की, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, दुनियादारी को लेकर, काम को लेकर, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है, हर तरह के ख्याल आते हैं। तो जब तक तो ये सोचें चलती रहती है, जैसे पानी बहता रहता है तो साफ रहता है ना, अगर ये सोच आके कहीं पर भी रुक जाए, जैसे जो नशा करता है उसकी नशे पे रुक जाए, जिसको सेहत को लेके इशू है वो सेहत पे रुक जाए, है ना, कि कहीं भी रुक जाए, किसी के रिश्ते पर रुक जाए, किसी की काम पे रुक जाए, तो ये जो रुक जाना होता है ना, इसको डिसऑर्डर बोलते हैं, इसको बीमारी बोलते हैं। जैसे कल सर समझा रहे थे कि एडिक्शन का क्या मतलब है, थॉट्स की भी एडिक्शन होती है कि एक ही तरफ चल पड़ना। अगर आप पूरा दिन काम कर, आप पूरा दिन काम का ही सोच रहे हो, वो भी आपका नशा है और बीमारी है। यानी कि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे, आपको अपने रिश्तों का नहीं पता, दुनियादारी नहीं पता, आप बस पैसा कमाने में लगे हुए हो, वो भी बीमारी है। हर तरह, हर टाइम, अब जैसे हमारे OCD के पेशेंट होते हैं, सफाई कर रहे हैं तो उनको हर तरह सफाई चाहिए, उनको सफाई के अलावा और कुछ नहीं दिखता। मतलब वो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि बार बार वो हर चीज को साफ करते हैं, धोते हैं, मतलब उसको भी बीमारी। सफाई रखना अच्छी बात है, मगर सफाई के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाना कि आपको गुस्सा चढ़े अगर अगर थोड़ा बहुत गंद पड़ा हुआ है, तो वो एक बीमारी बन जाती है। तो इन सारी बीमारियों से हम ग्रस्त यहाँ पे हैं, मगर डॉक्टर्स का कहना है कि जो जड़ है ना, वो तीन कारणों से है, पिता पुरखी, एनवायरनमेंट, माहौल, और आपकी पर्सनालिटी। कुछ केमिकल ज्यादा है, कुछ केमिकल कम है, कुछ बन नहीं रहे हैं, इसकी वजह से ये बीमारी होती है।
इसलिए। और दूसरी बात यह है कि इन बीमारियों की जो दवाइयां हैं, जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि अगर साइंस ने कह दिया कि ये बचपन से अंदर चीजें हमारे चलती है, जो चीज हुई आपके साथ वो तो एक चीज निकली, यानी कि आपको कोई ना कोई तरह की सोचें पहले से कुछ ना कुछ परेशान करती हैं, जो कई बार हमें भी नहीं पता चलता। तो इसका ट्रीटमेंट स्लो है, इसमें हम पेशेंस नहीं खो सकते, और चलते चलते काफी उतार चढ़ाव आते हैं। इसीलिए इतने सालों से, 30 साल से ज्यादा साल हो गए आई थिंक, ये चेयर्स हैं, यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, फॉलो अप बोला जाता है, जो फैमिली आती है उसको समझाया जाता है कि हम हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि जब हम भूल जाएंगे, हम केयरलेस हो जाएंगे, रिलैप्स हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, बीमारी हमारे अंदर ही है, वो कभी भी जागरूक हो सकती है। इसलिए हमें फॉलो अप में रहना चाहिए, दवाई डॉक्टर के हिसाब से खानी चाहिए, रेगुलर चेकअप्स के लिए आना चाहिए, ये मीटिंग सुनते रहना चाहिए, क्योंकि हम सबको सोचों की बीमारी है, अल्टीमेटली हम सबको सोचों की बीमारी है, और हमारी जो सोच है वो बचपन से हमारे अंदर है, हमारी बिलीफ सिस्टम है, फिर हमारी सोचें रोज दुनिया से टकराती हैं, टकराती है ना, कोई नया पर्सन मिल गया, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, रोज हमारी सिचुएशन बदलती है, रोज जिंदगी में कुछ नया होता है, तो जब भी नया होता है हमारे अंदर भी हलचल होती है, जब हलचल होती है तो जिसके अंदर वो बीमारी है वो बीमारी जाग सकती है। इसलिए बोलते हैं वन डे प्रोग्राम, एक दिन का प्रोग्राम, मतलब आप सुबह उठे, अपने पूरे दिन की प्लानिंग करी, अपने सोचों की तरफ हमेशा तरफ जागरूक रहे कि मेरे को कैसी सोच आ रही है, कहीं मैं 4 to 6 से बाहर तो नहीं जा रहा, कहीं मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा, कहीं मेरे जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो मुझे फंसा तो नहीं रहे, तो इसलिए वन डे प्रोग्राम किया जाता है। तो ये तो मैं बस शेयर कर रही थी कि मतलब सेम सिचुएशंस फैमिलीज के साथ हमेशा आ जाती हैं, कभी फैमिली थकी होती है, कभी फैमिली उम्मीद छोड़ देती है, कभी फैमिली चलते चलते उनको लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये जो हमारा रोज की मीटिंग है ना, रोज के हमारे जो साइको एजुकेशन है, ये रोज एक पाठ की तरह हम याद करते हैं, सब दोहराते हैं।